बाहर तो रही है, थोड़ा कटवाना पड़ेगा लग रहा है। ये दोस्तों ये निकल आएंगे, इनको कोई दिक्कत ना होगी। अरे ये गाड़ी ज्यादा नई है, देखो पहली गाड़ी को ज्यादा ताकत पड़ी, पता क्या है दूसरी को कम ताकत पड़ी, तीसरी को बिल्कुल कम पड़ी। बहुत अच्छा लगता है यार साइड पे यार। भाई तुम सबसे पहले यहाँ पे आए थे ना, तो हमने ये फेंसिंग वर्क का काम लिया था। ऊपर लोडर मारने लगाओ, मैं लोडर मारने में रेटिंग दे देना भाई कैसा मारा, ठीक है देखते हैं निकल पाती कि नहीं। दोस्तों अपना दूसरा बोल रही है, ये है, ये टूटा है ना इसका, है ना, यही दिक्कत आती है दोस्तों भारत रेंज में। जा रही है एक भरने जा रही है, एक्सावेटर से वही दबा देते हैं, दबा देंगे मेरे को न दबाने का कोई जी, और क्या। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब, आई होप सारे भाई ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज व्लॉग चालू कर रहे हैं मॉर्निंग में, 5:00 हो रहे होंगे। इतनी मॉर्निंग में इसलिए क्योंकि आज रात में मैं था गाड़ियों का, मशीनों का देखरेख में कि अपना सही साथ चलती रहें गाड़ियाँ। जैसे आपने कल वाले व्लॉग में देखा होगा, गाड़ियाँ जैसे ज़्यादा फंसती हैं उनका देखना पड़ता है, किस तरीके से गिराएं गाड़ी, किस तरीके से गाड़ी को मिट्टी गिराते हुए आगे बढ़ें, तो क्योंकि मिट्टी भी कुछ बोर एरिया में गीली आ रही है, तो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है गाड़ी फंसने वसने की। तो रात में अपना ये सब चीज़ें का ध्यान रखना, और क्या ये अपना गाड़ी विधिवत चलती रहे, फंसे ना कोई, मतलब ऐसी हैपनिंग ना हो जो कि नुकसान हो किसी चीज़ का। तो बस इसी सब का ध्यान रखने के लिए आज मैं था भाई, नहीं तो कभी संजीव भैया और नीतीश भाई होते हैं, वो अब दिन में देखेंगे। तो मैं अब जाके फिर सोऊंगा, मैं सोऊंगा वही 8-1 जाके अभी, ठीक है। फिर आज दोपहर में कुछ काम भी करवाना है, तो गाड़ी का काम भी करवाना है एक का, वो भारत बेंच का सोच रहा हूँ कि मैं क्रॉस डलवा ही देता हूँ, वो ज़्यादा उसमें प्ले हो गई है जो उस दिन लेके आया था, तो उसमें डलवाना ही पड़ेगा क्रॉस यार, नहीं तो अगर रात बिरात में अगर टूट गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी डालते हुए। उसको प्रेस से मैं डलवा के लाऊंगा वहाँ से खराद मशीन पे, चलूँगा मैं दिखाऊंगा आपको। ये है दोस्तों मॉर्निंग का व्यू, आप देख रहे होगे दोस्तों, आप देख रहे होगे कि घास के ऊपर ऐसी मिट्टी डाल रहे हो। तो दोस्तों पता क्या होता है, रेलवे में जो है ना ज़्यादा ओजीएल वगैरह करते नहीं है वो, इसलिए केबल कटने का बहुत डर रहता है, ठीक है ना, तक केबल शिफ्ट नहीं होती दोस्तों ना यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे करके, बिल्कुल दांत भी ऐसे करके पॉकेट का नहीं मार सकते, ये सब सीन होता है भाई रेलवे में, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक होता है काम, ओजीएल से मिट्टी डालना बहुत स्ट्रिक है भाई। और ले लो पीछे, 6:00 भाई, बस 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 गिरा दो, जेसीबी चल रही कंटिन्यू, पीछे खड़ी है गाड़ी स्कॉर्पियो, फंस ना जाए इसका 4x6 काम नहीं कर रहा, 6x4 सॉरी, बार बार मैं 4x6 कह देता हूँ, इसका वो 6x4 का ना पीछे से जो डिफरेंशियल लॉक में जो पाइप जाता है ना एयर प्रेशर का, वो फट गया, कहीं से लीक कर रहा है, तो वो इंगेज नहीं हो पा रहा है इसका पिछला वाला क्राउन। हट जाओ चलो पीछे चलो, बस गिरा दो। ये है अनिल उस्ताद, हेलो कर दो ऐसे करके, हेलो हेलो। बहुत अच्छे ड्राइवर है। आप कह रहे होगे दोस्तों कि मैंने कुछ पहना नहीं है, टी शर्ट में हूँ मैं, इतनी ठंड हो रही होगी, तो ठंड तो दोस्तों हो रही है। एक्चुअली क्या हुआ कि पिंकू भैया को ठंड लग रही थी और मशीन में शीशा लगा नहीं है ना, तो इसलिए मशीन में शीशे न होने के कारण पिंकू भैया को ठंड लग रही है, उसके मशीन के शीशे भी लगवाने हैं भाई आजकल में, तो ऑर्डर दे दिया है, उनको ठंड लग रही थी तो मैं अपने वाली हुडी उनको दे आया था, इसलिए आपको दिखाता हूँ वीडियो में, आगे मैं वीडियो लगा दूंगा आप देख लेना पिंकू भैया की मेरे साथ। मालूम वीडियो बनाई हो तुम, पिंकू भैया ठंड लग रही है, अरे बहुत पिंकू भैया को दे दिया अपना पर हुडी दे दी, फिर भी जड़ा रहे बहुत ठंड तेज है। तुम्हारे तो अभी दांत कटकटा रहे थे,
अरे तपी रहा है तेम बैठो मां इधर जट टी शर्ट विच दिल तेन ले रहा पाया भी इतनी तेज कोहरा था ना कोहरा आया था भी हाँ दिखाई नहीं दे रहा था कुछ टाइम हो गया 5:20 हो गए होंगे ना इसका दोस्तों देखो ये 6x4 काम नहीं कर रहा ना दिक्कत कर रही गाड़ी चलने में चढ़ तो गई खैर चलो चलो नंबर ना काटना भाई दूसरे का नंबर के पीछे दोस्तों इनको इनाम मिलता है ना चक्कर के पीछे इसलिए एक दूसरे का चक्कर काटने की कोशिश करते हैं दोस्तों साथ साथ में बिल्कुल देखो पास में ये रेलवे पटरी है और ट्रेन दोस्तों यहाँ पे 10-10 मिनट में निकलती है तो इसलिए ना बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे काम करना मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है सेफ्टी का हर बंदे को समझा के रखना पड़ता है कि बिल्कुल गाड़ी पैक करते हुए JCB पैक करते हुए इधर ना पहुँच जाओ बॉकेट इधर पहुँच गया तो उधर से ट्रेन आती हुई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना इसलिए देख रहे हो आप सामने पहले दोस्तों ये डाउन पोर्शन है ना पहले डाउन पोर्शन में गिरेगी मिट्टी बराबर हो जाएगा फिर बराबर में गिरेगी पूरी दो लाइनें लगेंगी इस तरीके से थोड़ा सीधा करके लगा लेते ना बाबू पुरुषोत्तम थोड़ा सीधा करके लगा लो ताकि गाड़ी सीधी हो जाए आगे ले लो तो भाई भाई ये तो भाई ड्राइवर नहीं डरते भाई एक्सपीरियंस वाले ड्राइवर नहीं डरते भाई कितनी गाड़ी टेपर हो गई है कितने चक्कर हो गए 87 ये मुंशी जी अपने साइड के हैं संभल साइड के हैं मुंशी जी इसलिए अपनी तरफ वाली भाषा बोलते हैं थोड़ा रामपुर से टच वाली मुंशी जी तोई का है रो तोई ऐसे बोलते हैं हमारे अजी यहाँ है जी हाँ ऐसे बोलते देहाती भाषा हमारे यहाँ की ऐसी है दोस्तों समझाओ तो सही एक बार थोड़ा अच्छे समझाओ उनको है मजे ले रहे अच्छा नहीं अच्छा 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 एक बार थोड़ा समझाओ तो मेरे सामने समझाओ क्या समझाओ तुम वीडियो सुना ना बोलो कि मिट्टी बाहर को गई है क्या इनसे ध्रुव जी क्या कहते भी इधर मिट्टी डलवाना इस साइड में ठीक है ना मिट्टी बाहर ना हो जाए कहीं लेयर कम आ रही है वहाँ तक तो गाड़ी तक तो इधर इधर गिरवाई अब यहाँ गिरवाई मैं पूछ रहा हूँ हाँ JCB वाले को समझाने की भाई मिट्टी ज़्यादा बाहर जा रही है इधर कर लो अंदर को एक बार और समझाओ थोड़ा अरे मतलब बताओ 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 खोलो भाई मिट्टी जाएगी कहाँ पूरी चली गई यहाँ से लेकर देख रहे हो क्या मीटर का बैड हो गया 400 मीटर के बैड में मिट्टी तुमने बाहर कर दी आने दो ध्रुव जी को तुम्हें पूछेंगे मिट्टी बाहर कैसे गई यार ये दोस्तों गाड़ी अपनी भारत में यहाँ कोई दिक्कत नहीं भाई उधर बहुत दिक्कत थी कल रास्ते में तो टापो टाप जाती है गाड़ी इसका साइलेंसर के आगे जो वो लगा हुआ है ना दोस्तों देख रहे हो आप आगे ऐसे करके मोड़ा हुआ सा जो पतली पत्ती टाइप की वो दोस्तों बड़ी इसकी ना शानदार आवाज़ निकालती है जब गाड़ी पूरी अपने पावर दिखाने में होती है अरे कहाँ गिरा रहे हो अब देखा डर लग गया क्या हुआ अब खड्डे में क्यों नहीं गिरा रहे हैं देखा ये आएगी तो उड़ के चली जाएगी उसी में गिरा देते ना मिट्टी पूरी इधर देखो यहाँ तक गिराते हुए आए उधर तक पहले वहाँ तक गाड़ी के पास तक गिरा रहे थे दोस्तों इधर तक ठीक है वहाँ से तक गिरा दी इन्होंने खड्डा समझ के बस यार ये तो कोई बात ना हुई यार मुंशी जी हैं आधी गाड़ी उधर गिरवाओगे आधी गाड़ी उधर डाला बजा लो एक दो बार मिट्टी चिपकी पड़ी है बहुत ज्यादा अब देखो वो भी मिट्टी बाहर को ढकेल लिया यार इतना डरा दिया है ना मैंने ध्रुव जी तुमको डांटेंगे बहुत ज्यादा तो गिरा रहा है फिर उधर ही गिरा दिया मिट्टी
कंस्ट्रक्शन लाइन में थोड़े से नए हैं, थोड़ा भी पता नहीं हिसाब किताब, बिर्थ क्या जाएगी, हाइट के हिसाब से बेड की कितनी बिर्थ जाएगी, अंदाजन कहाँ तक, मतलब थोड़ा सा उस चीज़ का है नहीं। कोई नहीं, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। आदमी मेहनत करने वाला हो तो क्या नहीं समझ सकता है, क्या नहीं सीख सकता। गिरवाओ, कहाँ गिरवाओगे? हटे हटे, दोबारा से गाड़ी लेके यहीं गिरवाओगे? मुंशी जी बताएंगे, मुंशी जी, मुंशी जी कहाँ गिरवाओगे? यहीं पे। अरे वो गाड़ी फंस गई यार वहाँ पे, चलो वो उधर क्रॉसिंग के पीछे यार, लेके आओ जेसीबी उधर ही। सॉरी दोस्तों, वीडियो बनाने का ध्यान नहीं रहा, यहाँ पे गाड़ी ज़्यादा फंस रही है। इसलिए फंस रही है क्योंकि यहाँ पे नल है ना, नल का पानी यहाँ पे जो है ना वेस्ट वाला सारा यहाँ इकट्ठा होता है, तो इसकी वजह से इसमें जो है ना थोड़ी सीलन जा रही है पानी की। तो अभी पॉकेट से मिट्टी थोड़ी अंदर खिंचवाई है, ग्रेडर होता है तो ब्लेड मार के अंदर ले लेता है, थोड़ा गड्ढा सा हो गया था, ये मिट्टी अंदर खींच ली, उसके ऊपर जो ये मिट्टी डाल देंगे थोड़ी। अभी मिट्टी थोड़ी सही आ रही है, बना दो इसको। यही दोस्तों देखना होता है कि फ्लो ना रुके काम का। अरे बस है, कितनी बार बजा, मिट्टी थोड़ी सही आई है ना, थोड़ा इससे इसका सही रहेगा, ऊंचा हो जाएगा ना, थोड़ा इससे टच इसका टूट जाएगा ना तो सही हो जाएगा, रास्ता पक्का हो जाएगा। लो दोस्तों, हो गया रेडी रास्ता। कैसे निकलती है, थोड़ा ऊंचा भी हो गया ना तो हाइट हो गई। लो गेयर लगा लो, कटवाना पड़ेगा लग रहा है। लो गेयर लगा लो, लो। ये गाड़ी दोस्तों ना रीजनरेशन होने वाली है, इसमें पिकअप की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, दूसरी गाड़ी होती निकल जाती है, ये थोड़ी ज्यादा दिक्कत कर रही है भारत में। गाड़ी भर के भी ज्यादा आ रही है। ये दोस्तों ये निकल आएंगे, इनको कोई दिक्कत ना होगी। अरे लो गेयर में नहीं थी यार ये। देखा, उससे कम ही लोड लिया इन्होंने, ज्यादा नहीं लिया। पैंसठ ये तो निकल ही आनी थी भाई, ये तो गाड़ी अभी बहुत कम चली है। ये गाड़ी कम चली हुई है थोड़ी, ये गाड़ी ज्यादा नहीं है। पहली गाड़ी को ज्यादा ताकत पड़ी, पता क्या है, उस वाली गाड़ी में जो है ना, वो जो आगे वाली जो थी फंस रही थी, वो गाड़ी में क्या ना रीजनरेशन होने वाली है, BS6 गाड़ियां है ना, वो भी चीज है सर। हाँ, थोड़ा पिकअप वो कम दे रही है, वो भी चीज है, देखो वो सही करके गया। हाँ हाँ, उसको ज्यादा ताकत, पहली गाड़ी के थोड़ा कैसे, हाँ हाँ, दूसरी को कम ताकत पड़ी, तीसरी को बिल्कुल कम पड़ी। हाँ हाँ, वो थोड़ा बैठ भी गया ना, ताजा बना भी था ना। अब जो भी गाड़ी आएंगी कम मेहनत पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली क्या है ना, ये यहाँ पे ना पानी की परसेव आ रही है यहाँ पे। जी जी राइट, एक बार बस आ जाएगा, इसको बीच वाला फिर गिरा दे। हाँ हाँ, हो जाएगा। अरे सतीश, थोड़ा इस पे लोडर मार दो तो। हाँ वो मारेगा लोडर तो ऐसे आ जाएगा पीछे को। देखो गांव वाले कितना इंटरेस्ट लेते हैं, मजा आता है देखते हुए, लोग देख के हैरान हो गए भाई। थोड़ा गिरा देगी ना पीछे, क्योंकि मिट्टी भी कट जाएगी पीछे को। जेसीबी ये सब चीजें देखने भाई लोग ना आ ही जाते हैं यार, इंटरेस्ट रहता है, जैसे आप सबको है ना। लो भाई अब हो जाएगा सही। ਸੋੜੀ ਉੱਤੇ ਚਾਰੇ ਕੱਪੜੋਂ
दोस्तों आप सोच रहे हो एकदम से इतनी ब्राइटनेस कैसे होगी वीडियो में, तो वो इसलिए क्योंकि मैंने अब HDR मोड ऑन किया है वीडियो का। अगर आपको फर्क लगा हो तो, फर्क लगा ही होगा डेफिनेटली। मैंने अभी रुक के ना HDR मोड ऑन किया है। मुंशी जी ने बैटरी यहीं रख दी है। बहुत अच्छा लगता है यार साइड पे यार। भाई इधर कलवट बन रही है, ये अपना कलवट बनाने का अपना वर्क नहीं है ना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पे आए थे ना, तो हमने ये फेंसिंग वर्क का काम लिया था, जो बाड़ बंदी जिसे बोलते हैं, बाड़ लगाना। ये आप देख रहे हो ना पिलर जो लगे हुए हैं, इसमें तार जो लगी हुई है। पिलर थोड़ा उल्टा सीधा कर देता है कभी कभी कैमरा, ये देखो देख रहे हो ना। पिलर खरीद के लाए, फिर लेबर से खड्डा खोद के उसमें कंक्रीट से फिक्स करवाया, ये वायर लेके आए, बारबेट वायर बोलते हैं इसे। ये 82 रुपये किलो के हिसाब से मिली थी उस टाइम, आज से कम 5-6 महीने 7 महीने हो गए तब हमने इसको लगवाया था। ये जो वायर है ना, ये के नाम क्या कह रहे हैं, 1 किलो में 11 मीटर तक जाती है। तो दोस्तों ये ऑपरेटर जो है, ये भी लगता है मेरे को जा रहे हैं घर पे, क्योंकि ये ना दिन में मशीन चलाते हैं कहीं पे और हमने इनको डेली बेसिस पे रख रखा है, वो इसलिए क्योंकि ये मशीन अपनी तो है नहीं, कंपनी की मशीन है, तो कंपनी के ऑपरेटर इसमें मशीन पे है नहीं। तो इसमें एक ही ऑपरेटर था, तो वो चला गया छुट्टी इस मशीन पे कंपनी की, और अभी अपनों का काम पड़ रहा है डे नाइट, तो हमको दो अपनी तरफ से हम रख के इस पे चलवा रहे हैं डेली बेसिस पे। तो अभी डे वाला ऑपरेटर आएगा लेट थोड़ा, और ये बंदा जो है थोड़ा, इसको डे में भी ड्यूटी जाना होता है। परमानेंट अगर डबल शिफ्ट चलेगी तो फिर दूसरा इंतजाम करना पड़ेगा ना। देखो आ भी गया फोन, खोलो खोलो फोन। हाँ कह रहे हैं हम जा रहे हैं। फिर जा रहे हो? हाँ। ड्यूटी कितने बजे जाते हो? 7:30 बजे की ड्यूटी है, 7:30 बजने वाला है। यहाँ तो टाइम से आते नहीं हो। काहे नहीं आते यहाँ भी टाइम से आ जाए करो दादा। हम होंगे ले चलो, रुको रुको। ये देखो तो मशीन बंद कर दी कि चालू रहा? दी चालू रहने दो, तुम जाओ। मशीन की बैटरी उतर गई है ना, मतलब डाउन हो गई है, तो इसलिए बंद नहीं कर सकते, रिस्क नहीं ले सकते। लगता है चार्ज अगर नहीं हुई होगी ना अल्टरनेटर से, तो बैटरी ग्रेविटी वेविटी कोई प्रॉब्लम ना हो, या एक बार उतार के चार्ज ना करवानी पड़े जाने गाड़ी खाली होकर। बड़ा मजा आता ना गियर की साउंड सुनते तो टाइम हो गया है 7:45 का, 7:50 ही हो गया वैसे। उधर शिफ्ट चेंज हो जाएगी, चलो सीधे करो, सीधी सीधी अंदर को लो, अंदर को ज्यादा उधर कर दी, थोड़ी आगे लो, आराम से क्लच छोड़ा करो थोड़ा सा, बस बस बस। रास्ते का दोस्तों फिर वही हाल हो गया,
तो पहले खराब भी हो रहा है और थोड़ा ऊंचा हो गया ना, तो थोड़ा हाइट भी पड़ रही है इसको चढ़ने के लिए गाड़ी को ना। ध्रुव जी भी आ गए हमारे सुबह सुबह, इधर बाल कटिंग चालू होगी सुबह सुबह 8:30 हो गए भाई, शिफ्ट भी चेंज हो गई है सबकी। अरे वो आ गए ना ड्राइवर, आप चले जाओ ना। तो रास्ता सही किया गया सीधी से, देखते हैं निकल पाती कि नहीं। तो आगे कहाँ चले गए भैया? आ रहा हूँ, ज्यादा कंडीशन खराब हो रही रास्ते की। दोस्तों अपना दूसरा बोल रही है ये है, और पिंकू भैया चले गए हैं, शिफ्ट चेंज हो गई है, अभी दूसरे ऑपरेटर चला रहे हैं। ये हैं विमल, पिंकू भैया के भाई, ये भी अच्छी मशीन चलाते हैं। सो गाइस अभी मैं आया हूँ रूम पे भाई, अभी मैं करूँगा रेस्ट और उसके बाद में अभी बज गए भाई पता है कितने, आपको सही सही दिखाऊँ तो 9:49 हो गए भाई। फिर उठेंगे दोस्तों, फिर कुछ करेंगे काम गाड़ी का। सो गाइस मैं उठने में यार लेट हो गया और अभी 5 बज गए भाई, देख लो दोस्तों भी आ गए साइड पे, अभी तो गांव में है, गाड़ी का टूट गया एक का क्रॉस। ये आगे भाई बुरेड़िया और इस गाड़ी में हो गई प्रॉब्लम, भरत बेंच में सही से गाड़ी और आने वाली है दो चार है। क्या है इसे निकालना है मिस्त्री, एक वो रखो यार बल्ब बना के कम से कम नाइट रूट में काम करने के लिए। इतनी इसमें चाल थी लेके आए थे अपने कि भी क्रॉस टूटेगा, टूटा है इसका कप, वो होल्डर है क्रॉस का, उस साइड वाला टूटा है ना, साइड का गियर वाले साइड का ना, वो भी निकल गया है क्रॉस, ये टूटा है ना इसका। चलो यार देखो दुकान अभी खुली तो है, अगर मिल जाए तो, भारत बैंज का सामान मिल भी नहीं पाता ना, यही दिक्कत आती है दोस्तों भारत बैंज में, सामान ले लाना ले जाना जब पड़ता है ना मिल नहीं पाता तो दिक्कत होती है। एक 50 mm वाला कौन सा है इसमें यार, ये 48 वाला है, 48 कौन सा दूसरा बात बैंक लेके चलते हैं, उसका क्या करने को लेके चलोगे, जो नया लेकर आए हैं वो रखा है उसमें, रखा है ना 64 में 64 में याद कर लिया करो नंबर, 64 तो ही नहीं है शायद, 64 तो शायद ही नहीं है, देखो बोल्ट लेना टेढ़ा हो गया क्या, बाकी 3 बोल्ट सही, एक बोल्ट टेढ़ा हो गया ना, तो इसको नाप ले चलो उस वाले बोल्ट का जो सही है बोल्ट वो ले, अरे जो सही है वो लेके जाओ यार मिस्त्री, उधर दोस्तों चल रही है एक्सकैवेटर, आज व्लॉग भी यार डालने में लेट हो जाऊंगा यार लग रहा है, ज्यादा ही दिक्कत कर रही गाड़ी, इसको सुबह करवाते हैं टंटल मंटल, निकालना पड़ रहा है इसको बराबर कर दो इसको थोड़ा, विमल इसको थोड़ा बराबर कर दो, रोड पे भीड़ कितनी रहती है देख रहे हो, रश पड़ रहा है, केड़ा लगता वीर जी 50 mm वाला है, 52 लगता है मन्नू यार, देखो यार मिल जाए लेना तो हथौड़ा, कितने किलो वाला है ये, कौन सा ये 5 किलो नहीं क्या, 4 किलो है ये भैया, ये 4 ही किलो वाले तक होंगे, 4 किलो होंगे या फिर 3 किलो, ये है सामान, ये ऐसे निकलता लॉक, देखो जा रही है भाई एक भरने जा रही है, कितना टाइम लग जाएगा मिस्त्री साहब, जल्दी तो करो जाओ गाड़ी चालू भाई, क्या कह रहे हो निकल जाए ना तो थकने में टाइम नहीं लगेगा, अच्छा निकालो इसको फिर, वो हथौड़ी ले चला गया उधर ना, तो इससे तो हो नहीं जाएगा काम, अब हथौड़ी नई हथौड़ी ला के दें तब भी एक्सक्यूज है, एक एक और नया वाला, हम्म
चला चला चला, हाँ चला चला, किसका ये नहीं ठुक पाया तुम्हारा भेंट इसमें, नहीं हथौड़े में, इसका जस्ता मिल नहीं पाया दोस्तों। मुंशी जी का खाना लेके आया हूँ अभी मैं, और टायर फटवा दिया इन्होंने जेसीबी का। कितनी देर हो गई फटे हुए? जब ही फटा है 5 मिनट हुए। जब फोन किया था आपने? टायर में कुछ बचा तो था नहीं, सही है खड़ी कर दो और क्या करोगे। तो देखो चाय लेके आया था मैं, ये उधर मुंशी जी की चाय पड़ी, उधर आगे गए हैं, आपको दिखा देता हूँ। इधर डंप हो रही है उधर गाड़ियाँ, एप्पल का कैमरा भी कभी कभी फोकस नहीं करता है। 1:22 हो गए, सब स्टाफ के लिए चाय लेके आया था। देखो पीछे हमारा मिस्त्री भी है साथ में आज। मिस्त्री ने आज पता कितना टाइम लगाया उसको वो फिट करने में, कितना टाइम लगाया मिस्त्री जी आज? टाइम तो जो मट्टी है सब डब जा रहा है, बढ़िया जगह होता हटियार होता तो बढ़िया जगह पे टूटना चाहिए था ना उसका वो होल्डर। अच्छा आपने सोच ही रहे थे ना उसके कि भाई चाल है टूट जाएगा, क्रॉस है, क्रॉस टूटा नहीं, जिसका डर नहीं था वो टूट गया। मैंने सोचा क्रॉस टूटेगा, क्रॉस नया ले आए, क्रॉस टूटा नहीं, साला टूट गया उसका होल्डर। 55mm का था ना इसमें, 55mm का दोस्तों इसमें लगता है वो क्रॉस होल्डर। कभी आपको लाना पड़े तो भारत बैंक इसमें 28-23 में थोड़ा सा फर्क आया था क्या? ज्यादा तो नहीं था ना, ठीक। वीडियो देखते हो मिस्त्री अपनी एक्स वाले जो डाले थे देखे थे? अभी तो हाँ मेरे माया है, पता है फेमस हो जाओगे ना तुम्हारी डिमांड आ जाएगी फिर, ठीक है पगार भी बढ़ जाएगी। ये देखो मुंशी जी आ रहे हैं, इनको दबाते हैं, ये फर्स्ट टाइम आए ना कंस्ट्रक्शन लाइन में। इधर आओ मुंशी जी। अजी हाँ क्या अजी? हाँ मुंशी जी तुम्हें बताए, थोड़ा बच कर आया करो, अभी गाड़ी आ रही थी तुम उधर को जा रहे थे। देखो अरे मैं तो उधर गाड़ी लगवा रहा था, एकदम पीछे पीछे लेकर सत रहा था, तो यार ध्यान चला करो, ध्यान रखा करो, पता है कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर कोई ऐसे एक्सीडेंट हो जाता ना तो भेजते ना घर, वही दबाते हैं एक्सावेटर से, क्लेम मिल जाएगा तेरा। क्लेम ना मिलता है, एक्सावेटर से वही दबा देते हैं, दबा देंगे मेरे को न दबाने का कोई, और क्या बात है, मतलब क्या कहते हैं यहाँ तो आए ना भैया, चला गया छुट्टी लेके बंदा। हाँ, जी हाँ क्या ऐसा कैसा हो जाएगा? वही दबाते हैं गड्ढा खोद के, कंस्ट्रक्शन लाइन में ऐसी हो है, ऊपर रोड बन जावे पता लगा है यहाँ बोल देगा बंदा तू देख चला गया। कहा चला गया दुबई, तुम चले जाना दुबई, फ्लाइट पकड़ लिया सीधा सीधा। अरे यार ऊपर वाला ना करे कभी ऐसा चांस आवे यार कि दबाना पड़े किसी को। जोक सपाट, चाय पीते यार भाई अपनी। दोस्तों अभी आया मैं बोल रही है, उधर गाड़ी खड़ी है बोलेरो, और ये गाड़ी भरने को खड़ी है, ये गाड़ी भर के निकल रही है, और वो उसके आगे एक फंसी हुई है गाड़ी। हाँ दोस्तों चक्कर बहुत कम लग पाए यार, अभी तक 2 बजने जा रहे हैं। एक तो आज लंबी लीड पड़ गई और रास्ता बहुत खराब है आज यहाँ। ये वही वाली दोस्तों इसका इंजेक्टर खराब है, इसको आज सुबह खुलवाएंगे गाड़ी को, इसका इंजन ऑयल भी बहुत लीक हो रहा है। देखो ये हाल हो जाता है, देखो कैसे जूते गीले हो जाते हैं उससे। थोड़ा आगे वाला भी बराबर कर दो, आगे वाला उधर वाला, पिंकू भैया चला रहे हैं एक्सेलरेटर, आगे वाला बराबर कर दो इधर वाला ये। तो ठीक है दोस्तों ये था आज का ब्लॉग, कैसा लगा प्लीज कमेंट करके भी बताना, मिलते हैं फिर कल नए ब्लॉग में, तब तक लीजिए।